हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखिए, इस समय हम आरपी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हैं और इस समय हम कंप्यूटर लैब में हैं। और लैब में हमारे पास इस समय बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं वो हैं, किस क्लास के हैं? 7th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। और देखिए, 7th क्लास के बच्चे जो हैं इस समय कंप्यूटर सीख रहे हैं। और हम ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए, हमने इन बच्चों के लिए कंप्यूटर में क्या-क्या सिखा दिया। और ये देखिए, पहली तारीख से, 1 अप्रैल से हमने कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट किया था। जब हम 1 अप्रैल से हमने कंप्यूटर की क्लास शुरू की थी, कंप्यूटर की लैब बनी थी, तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर जो हैं दिखावा कर रहे हैं, 1 महीने या 2 महीने सिखाएंगे, इसके बाद में जो है कंप्यूटर लैब बंद हो जाएगी। लेकिन लगातार हमारे यहाँ बच्चे जो है कंप्यूटर सीख रहे हैं। मैंने अप्रैल में बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, इसके बाद में मई में सीखा, मई के बाद में छुट्टियाँ रहीं जून की, फिर इसके बाद में बच्चों ने जुलाई में सीखा, जुलाई के बाद में अगस्त में सीखा, अगस्त के बाद सेप्टेम्बर में, और सेप्टेम्बर के बाद में अक्टूबर में सीखा, और आज नवम्बर है और नवंबर की 8 तारीख है। आज तक बच्चे जो हैं लगातार कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर में बच्चों के लिए जो है बहुत कुछ आ गया। तो सबसे पहले बच्चों से पूछना चाहेंगे, क्या बच्चों लगातार आपका डेली कंप्यूटर सीखने का लेक्चर लगता है? चलिए, तो आज ये देखिए बच्चों के लिए कितना कंप्यूटर आ गया, ये हम आपके सामने ये दिखाना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या आ गया है। ये मैं आप बच्चों से पूछूंगा और आपके सामने बच्चे बताएंगे कि हम जो हैं अगर कंप्यूटर में पेस्ट कैसे करते हैं और किसी भी मैटर को कट कैसे करेंगे, किसी भी मैटर को कॉपी कैसे करेंगे और किसी भी मैटर के लिए बोल्ड कैसे करते हैं, या फिर किसी भी मैटर के लिए सेव कैसे करेंगे, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, और इटैलिक माने होता है तिरछे शब्द जो है हम कैसे बनाते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, और पेंट तो बच्चों को पहले ही से ही आ गया, टाइपिंग भी काफ़ी बच्चों को आ गई है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है। और मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है आरपी पब्लिक स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो आप जब यहाँ से पढ़ाई करके निकलेंगे तो आपको कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट पास होने के बाद में कंप्यूटर सीखते हैं, जगह जगह कोचिंग सेंटर में जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले साल से ये जो लैब स्टार्ट हुई है और इस लैब ने जो है बच्चों के लिए कितना फायदा किया, बच्चों के लिए कितना आ गया। अब ये बच्चे आगे चल के रोएंगे नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जब ये बच्चे यहाँ से पास होकर निकलेंगे तो इनके लिए जो है कंप्यूटर की पूरी शिक्षा इनको मिल चुकी होगी। तो देखिए, आज मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूँ और फिर इसके बाद में इन बच्चों ने स्क्रीन पे क्या-क्या बनाया है ये भी हम आपके लिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हैं वो पीहू हैं, क्या नाम है? व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज पीहू शर्मा। प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। सर, माय नेम इज पीहू शर्मा, माय फादर नेम इज विजय कुमार शर्मा, माय मदर नेम इज सुकृति शर्मा। आई एम इन क्लास 7, आई वांट टू बी डॉक्टर इन माय लाइफ। चलिए, डॉक्टर बनना चाहती हैं तो पीहू ये बताइए, आप पेस्ट कैसे करेंगी? कंट्रोल बी से। जोर से बता दो। कंट्रोल बी पेस्ट। मैंने कंट्रोल बी का बटन दबाएंगी और फिर क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम और भी बच्चों के लिए बुलाना चाहेंगे, रेहान के लिए बुलाना चाहेंगे। रेहान, स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, कम। रेहान आएंगे और रेहान जो है बताएंगे, रेहान आपके लिए कंप्यूटर में क्या, पहले प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन जोर से। ये भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, सारे बच्चे इनके लिए तालियां बजा दो। देखिए, आरपी पब्लिक स्कूल के बच्चों का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। यहाँ के बच्चों को मालूम होता है कि हमें क्या बनना चाहते हैं। देखिए, प्रत्येक बच्चा जो है यहाँ पे बता रहा है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई बच्चा अभी आपसे कहेगा कि मैं डीएम बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहेगा मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो ये रेहान है, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो रेहान, आपके लिए कंप्यूटर में क्या क्या आ गया है सब बता दो जरा। सर, पेंट और शॉर्टकट और पेंटर सारा।
वेरी गुड, इन्होंने देखे कितना अच्छा बताया कि इनके लिए कंप्यूटर में जो है पेंट का जितना भी है सब कुछ आ गया, शॉर्ट की भी इनके लिए आ गई है। तो आप ये बताइए फाइल को सेव कैसे करेंगे? बहुत ही सुंदर, कंट्रोल एस का, कंट्रोल पे जाएंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, इसके बाद में जो है एस, कंट्रोल एस का कोई बटन होता है? हाँ भाई, देखिए कंप्यूटर की मुझे तो नॉलेज नहीं है, लेकिन श्वेता गंगवार मैम हमारे यहाँ कंप्यूटर सिखाती हैं, और हमारे यहाँ शिवम गंगवार सर कंप्यूटर सिखाते हैं, एक सचिन सर भी कंप्यूटर सिखाते हैं, और ये श्वेता मैम सामने देखो वीडियो बना रही हैं, सुन भी रही हैं। आप बताइए मैम, क्या ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है? जोर से बता दो। जी सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर, देखिए मैम ने जो है कह दिया कि बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट्स योर गुड नेम? रेहान के पास, अच्छा अरमान, अरमान आ जाइए। अरमान आप ये बताइए, जब से आपके लिए कंप्यूटर की लैब यहाँ पर खुली है तब से आप डेली कंप्यूटर सीख रहे हैं? यस सर। आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीख लिया है जरा बता दो सबको। ना भी सब कुछ कंप्यूटर में है, सब सीख लिया। सब सीख लिया, जैसे बता दो क्या क्या सीखा है। पेंट सीख लिया, शॉर्टकट की सारी सीख ली, कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत ही सुंदर, देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि इनके लिए सभी शॉर्ट की आ गई हैं। देखिए अगर आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ते तो आप क्या करते, सीबीगंज जाते, सीबीगंज जो है किसी न किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग लगाते, आपका समय बर्बाद होता, आपके लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ता। यहाँ पर सिर्फ स्कूल की फीस में ही, सिर्फ स्कूल की फीस में ही आपके लिए पढ़ाई भी मिल रही है, इसके बाद में जो है कंप्यूटर की क्लास भी मिल रही है, और आपके लिए बेहतरीन एक बच्चे पर एक बच्चा बैठा हुआ है। अभी मैम जो है दिखाएंगी आपके लिए वीडियो के माध्यम से कि एक सेट पर जो है एक बच्चा बैठा हुआ है और किस तरीके से ये जो है कंप्यूटर सीख रहे हैं। इसीलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अगर आपको ठोस शिक्षा चाहिए, अगर आपके बच्चे के लिए टिकाऊ शिक्षा चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जो आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं आगे ले जाए, आपके बच्चे के लिए नौकरी तक ले जाए, आपके बच्चे के लिए ऐसा बना दे कि आपका बच्चा अपने आप पे गर्व महसूस करे, तो ये जो है आरपी पब्लिक स्कूल आपके लिए सुनहरा मौका प्रदान करता है। तो देखिए अरमान से हम पूछेंगे, बताइए अक्षर को बोल्ड कैसे करेंगे? कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे। चलिए बहुत ही सुंदर, गो योर सीट। इसके बाद में सोफिया को बुलाएंगे। सोफिया, इनका इसी साल नाम लिखा गया है, सोफिया, सोफिया अंसारी हैं, ये चंदपुर काजान से आती हैं, बहुत ही मेहनती बच्ची हैं। इनके पापा ये कहते हैं कि हमारी लड़की जब से आपके स्कूल में पढ़ रही है ये खूब पढ़ती है, रात में मेहनत से पढ़ती है। तो आपका क्या नाम है जरा जोर से बता दो। बहुत ही सुंदर, देखिए सोफिया भी हैं, ये भी डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बन के जो है देश की सेवा करना चाहती हैं। तो सोफिया आपको कंप्यूटर में क्या क्या आ गया है थोड़ा सा ऊपर कर लो। चलिए शॉर्टकट की इनसे पूछ लेते हैं, एक शॉर्टकट की पूछेंगे, बताइए कॉपी कैसे करेंगे? बहुत ही सुंदर, कंट्रोल प्लस सी से जो है मैट्रिक कॉपी हो जाता है। तो सोफिया के लिए सारे बच्चे ताली बजा देंगे। इसके बाद में आ जाएंगे हिमांशी। हिमांशी देखे ये भी पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी शहर के, आज ये जो है आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में पढ़ रही हैं। तो हिमांशी पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ये भी देखे हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर बहुत बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या आ गया ये बताओ। इनके लिए पेंट आ गया है और इनके लिए शॉर्ट की। अच्छा ये बताइए किसी भी मैटर को बोल्ड करते हैं तो क्या करेंगे? वेरी गुड, देखे कंट्रोल बी का बटन दबाएंगे और मैटर आपका बोल्ड हो जाएगा। कंग्रेचुलेशन, गो योर सीट। इसके बाद में आ जाएंगी रीना। आपका नाम क्या है? रीना नाम है, नीलू। चले कम, व्हाट्स योर गुड नेम? नीतू, यस नीतू। देखिए बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं, बहुत ही
होनहार लड़की है ये, बहुत ही मेहनत से पढ़ रही है। अच्छा नीतू अपना इंट्रोडक्शन दे दो जोर से जरा। माय नेम इज नीतू कश्यप, माय फादर्स नेम सरस्वती, माय मदर्स नेम कलावती कश्यप, आई रीड इन क्लास 7। नीतू क्या बनना चाहती हो? आई विल बी डॉक्टर इन माय लाइफ। ये भी डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा नीतू आपको कंप्यूटर में क्या क्या आ गया है? पेस्ट सॉर्ट करके जितना पेंट होता है सब आ गया। इनके लिए सब आ गया। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं, बताओ न्यू फाइल कैसे बनाएंगे? कंट्रोल एन से। बहुत ही सुंदर। अच्छा ये बता दो मैम, क्या इन्होंने सही बताया? आप बता दो, आप तो कंप्यूटर की मैम हो। जी सर सही बताया। बिल्कुल बहुत ही सही बताया, ठीक है गो योर सीट। इसके बाद में देखिए नैतिक शर्मा को बुलाते हैं। नैतिक शर्मा बहुत ही धुरंधर स्टूडेंट हैं, ये छोटे से पतले से तो हैं लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हैं। नैतिक प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, जोर से जरा देना। क्या बनना चाहते हैं? ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है जरूर बनेंगे। कंप्यूटर में आपको क्या क्या आ गया है? सब आ गया है। बताओ मैटर को सिलेक्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल ए दबाएंगे और मैटर कैसा हो जाएगा? ऑल सिलेक्ट। तो देखिए बच्चों किस तरीके से इन सारे बच्चों ने जो है कंप्यूटर के बारे में बताया। बहुत सारे बच्चे इस समय 7th क्लास के बैठे हुए हैं और इस समय कंप्यूटर सीख रहे हैं, और सभी बच्चों के लिए जो है कंप्यूटर अच्छी तरीके से आ गया है सिर्फ 5 महीने के अंदर। अभी तो ये बच्चे जो है पूरी साल सीखेंगे, इसके बाद में जब ये 8th स्टैंडर्ड 8th क्लास में आएंगे फिर ये सीखेंगे, इसके बाद में फिर ये फिर सीखेंगे, तो जब यहाँ से निकलेंगे तो अब ये कहेंगे अपने आप से कि वी आर चैम्पियन इन कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में चैम्पियन हो गए हैं। अब हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की पढ़ाई कितनी अच्छी है। देखिए जो जो यहाँ के टीचर लोग पढ़ाते हैं बच्चों के लिए सब आता है, यहाँ तक के स्पेलिंग सहित आता है। तो देखिए हम बुलाना चाहेंगे, सबसे पहले अरमान के लिए बुलाएंगे। अरमान कम, अरमान ये 7th क्लास की है, इंग्लिश स्प्रिट ये बुक है, इंग्लिश ग्रामर के आपको पूरी आती है? यस सर। बहुत ही सुंदर। आप देखिए इनसे जो है हम एंटोनियम्स पूछेंगे, अपोजिट वर्ड पूछेंगे। बताइए आफ्टर माने क्या होता है? बाद में, बिफोर माने पहले। बिफोर माने पहले। इनो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं। कम का एंटोनियम बताइए। कम का हाँ। डार्क का बताइए। डे का बताइए। डिफिकल्ट एंटर। देखिए बहुत तेजी से हम इनसे पूछ रहे हैं। फ्रेश माने पहले बताइए क्या होता है? हाँ बहुत ही सुंदर। स्टाइल मीन्स होता है बासी। ग्रेट माने क्या होता है? ग्रेट माने महान, इसका एंटोनियम। ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने बेईमान। इंपोर्ट का? इंपोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात। लैगल का एंटोनियम? लैगल मींस कानूनी, लीगल मींस गैर कानूनी। बहुत ही सुंदर। लव माने क्या होता है? हेट माने घृणा। मेल माने क्या होता है? फीमेल मींस मादर। बहुत ही सुंदर। देखिए इस तरीके से इन्होंने बच्चे सभी बच्चों ने जो है एंटोनियम सपोजिट वर्ड सुना है। अब हम और भी बच्चों से सुनते हैं। चलिए अब हम सुनेंगे, किस बच्चे से सुनेंगे? अब आ जाएं पीहू, आ जाएं पीहू से सुनते हैं। पीहू बताइए आपके लिए सभी एंटोनियम्स आते हैं? अराइवल का एंटोनियम? एग्री का? बैड का? बिगिन का? बिगिन माने शुरू करना और एंड। देखिए किस तरीके से बच्चे जो है विश्व के मंच पर आरपी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बच्चे जो है बोल रहे हैं। अब आ जाए नैतिक शर्मा। नैतिक ये बताइए सारे एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड आते हैं? चलिए नैतिक से पूछते हैं।
नैतिक बताइए, कैच माने थ्रो माने फेंकना, क्लाबर का एंटोनियम बताइए, क्लाबर का इन्होंने फुलेस बता दिया, अर्ली का एंटोनियम बताइए, अर्ली का लेट, फाल माने क्या होता है, हाँ जोर से बोलो जरा, फास्ट माने क्या होता है, अच्छा बहुत ही सुंदर, ग्रेट माने, हाँ फिर आप बताइए ऑलवेज माने क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से इन बच्चों ने जो है एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड्स जो है सुना दिए, और बच्चों ने जो है कंप्यूटर के बारे में बताया कि हमारे लिए कंप्यूटर में क्या क्या आता है, कितना हमने सीख लिया। तो समझ क्षेत्रवासियों से जो भी मुझे देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए बच्चों का जो भविष्य है वो आपके इशारे पर निर्भर करता है। अगर आप जो है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अगर आप बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, तो स्कूल का चयन जो है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि आपके बच्चे को कोई खोखली शिक्षा तो नहीं मिल रही है, आपका बच्चा को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपके बच्चा कहीं धोखे का शिकार तो नहीं है। हमारे यहाँ जो है जो भी पढ़ाया जाता है अच्छे से पढ़ाया जाता है, एक से एक काबिल टीचर पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो है कोई भी लेक्चर खाली नहीं जाता, और पढ़ाई के साथ साथ जो है बच्चों के लिए डेली कंप्यूटर सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूँ, ये जो स्कूल है आरपी पब्लिक स्कूल आपके लिए सुनहरा अवसर देता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कंप्यूटर सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।